मुझे बहुत खुशी है कि आज खुशी है कि मैं लायंस 23rd सोल गोल्ड अवार्ड्स के लिए क्लिनलीनेस पे जो आधारित है उसके लिए आई हूँ. और इसकी अपेक्षा ये है कि जिन ये भी अवार्ड्स मिल रहे हैं या जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ये हम सबको इंस्पायर करे कि हम अपनी सोसाइटी, अपना घर, अपना देश और पूरा जहाँ क्लीन रखे. और अगेन इट कम्स बैक टू अस, अगर अपना आसपास से अपना एनवायरनमेंट क्लीन है तो अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव होती है और हमारे देश का जो एक ब्रांड नेम है उसको भी चमकाने में अपनी देश की क्लीनलीनेस काम आती है. मैम एक सवाल एक और कि आपने अमिताभ बच्चन के साथ एक वीडियो किया जो जल्द रिलीज होने वाला है, उसके बारे में कुछ बताइए, बहुत लोगों में एक्साइटमेंट है देखने के लिए. तो इसी महीने कोई डेट आने वाली है रिलीज की, वो वीडियो की, पर्टिकुलर सॉन्ग की, और तभी मैं उस बारे में बोलूँगी. एवरीथिंग आई विल स्पीक देन एक्सपीरियंस डेफिनेटली इट वाज अमिताभ जी, सो इट वाज गुड. ही इज सच अ डाउन टू अर्थ एंड नाइस पर्सन. ये बहुत बुरी चीज़ है, उसका रिकॉर्डिंग हुआ एंड पुलिस इज फॉलोइंग इट अप एंड आई थिंक सो इस पर कड़ी से कड़ी इनको पनिशमेंट होना चाहिए. किसी की हिम्मत नहीं होना चाहिए ऐसे वाक्या फिर से करने का. दैट वॉज गुड इमोशनल एक्सपीरियंस क्योंकि वो जो गाना था इट वॉज ऑन द डेथ ऑफ पेरेंट्स, सडन डेथ ऑफ पेरेंट्स, तो इट वॉज फुल ऑफ इमोशंस और बहुत दुखी सा गाना है. थैंक यू मैम. खुश है आपको अवार्ड मिल रहा है सुपर डांस खत्म होने का पहली बार? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत हैप्पी हूँ. कुछ परफॉर्मेंस भी देने वाले हैं अंदर आप? पता नहीं. अच्छा अभी सुपर डांस तो खत्म हो गया, अब उसके अलावा आप क्या करने वाले हैं? अगर काम मिला तो कर सकते. नीचे उतर. आई एम वेरी हैप्पी फर्स्ट ऑफ ऑल टू बी हेयर इन बॉम्बे. मैं बहुत टाइम के बाद बॉम्बे आई हूँ एंड स्पेसिफिकली फॉर लाइन्स क्लब बिकॉज मी एंड माई फैमिली वी हैव अ लॉन्ग एसोसिएशन विद इट. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्सपेक्टेशन ये है दैट आई एम परफॉर्मिंग टुनाइट एंड आई एम मच लुकिंग फॉरवर्ड बिकॉज मैं काफ़ी टाइम के बाद बॉम्बे में परफॉर्म करूँ. नया साल काम करते करते बीता एंड इट्स बीन वेरी लकी फ्रॉम द पास्ट टू ईयर्स एवर सिंस आई डेब्यूट हियर. Working, I was performing at Hyderabad where basically I'm doing my films and everything. So yeah, naya saal kaam karte karte bita. Thank you so much. Thank you so much. Some visuals. Yeah.
में मैं तीन टाइम अवार्ड दे चुका हूँ अलग अलग कैटेगरीज में और इस बार फोर टाइम मैं आ रहा हूँ और इस बार मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। नॉमिनेशन में नहीं हूँ मैं, मुझे पता भी नहीं है, आई डोंट नो कि है या नहीं, बट लास्ट ईयर से मैं नॉमिनेटेड हूँ यहाँ पर और रिवॉर्ड्स भी मिले हैं, लेकिन इस बार परफॉर्म कर रहा हूँ तो उसकी उस बात की ज़्यादा खुशी है। मीडिया में खबर आई है कि आप यार अभी कर तो नहीं रहा हूँ, लेट्स सी अगर होगा तो आई डेफिनेटली डू, लेकिन कर तो नहीं रहा। न्यू ईयर मैं ऐसा मानता हूँ कि डे वन में अगर आप कुछ काम करो तो ऑब्वियसली आप साल भर अच्छे से खुशी खुशी रहते हो, तो मैं वैसा नहीं हो कि 31st night मना के दूसरे दिन सोता रहता हूँ। मैं न्यू ईयर के दिन कुछ ना कुछ ऐसा काम करता हूँ जो मुझे अच्छा फील हो, सो मैंने रिहर्सल शुरू कर दी थी यहाँ पर। मैं एक एल्बम सॉन्ग करने वाला हूँ बहुत ही जल्द, उसकी तैयारी चल रही है बट काम थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन जल्दी जैसे ही हो जाए वैसे ही आप सबको पता चल। हेलो, मैं यही कहना चाहूँगा मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। अभी जाऊँगा अंदर देखूँगा क्या क्या जी। हाँ मैं मेरा अच्छी बात है, इतनी सारी माइक है, मेरा ऐप लॉन्च हुआ है आज ही रेमो डिसूज़ा के नाम पे और मैं अभी अभी लॉन्च करके आ रहा हूँ। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जब आप ऐप डाउनलोड करोगे तब आपको पता चलेगा क्या क्या फीचर्स है उसका। वेरी वेरी एक्साइटेड, सो आई होप के अंदर और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो। देर इज टॉक्स गोइंग ऑन, सो देर इज ABCD 3 ऑल्सो एंड देर इज अ बिग फिल्म, सो लेट्स सी क्या होगा। सलमान सर ने बोला है ना तो बस काफ़ी है, काफ़ी आई थिंक सलमान सर ने काफ़ी कुछ बोल दिया है तो आपको आइडिया आ गया होगा। थैंक यू सो मच। लायंस गोल्ड अवार्ड मुझे पहले मिल चुका है और इसे ऑर्गेनाइज करने वाले राजू मनवानी जी मेरे बहुत ही पुराने मित्र हैं और ये स्वच्छ भारत अभियान है फडणवीस जी की तरफ से, तो उसके उपलक्ष्य में भी है। बेसिकली मैं बस सबके साथ में खड़े होने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इंडियन आइडल की बातें वैसे मैं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुका हूँ बट या ऑफकोर्स आप लोग इतना पसंद करें इसके लिए बहुत शुक्रिया। आप परफॉर्म भी करने वाले हैं यहाँ पर, तो डांस करने वाले हैं।